दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, सभी प्रकार के कपड़ों, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां, सभी पर भव्य 50% की छूट। अवसर का लाभ लेने एक बार अवश्य पधारिए। दुल्हन साड़ी वस्त्र भंडार, तार बाजार पांडुरना। पांडुरना में शुरू हो गया है जनता सेल। जी हाँ, जनता सेल, जहाँ आपको मिलेगी 40 रुपए से सभी प्रकार की वैरायटी के साथ प्लास्टिक के घरेलू सामान, मिक्सर, सुंदर पायदान और घरेलू सजावट की एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं। सेल में एक बार अवश्य पधारें और इस दीपावली में अपने घर को सजाएं सुंदर वस्तुओं से। हमारा पता जनता सेल, दुल्हन साड़ी सेंटर के बाजू में, पुलिस थाना के पीछे, पांडुरना। क्रिसमस मनाने भिलाई जा रहे परिवार की तेज रफ्तार कार का टायर फटने से सभी सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कार क्रमांक MP11CC4745 में सवार होकर भिलाई जा रहे धार निवासी लेवन थॉमस 44 वर्ष, इनकी माता चिन्मा पोंचेन 76 वर्ष, पत्नी जूली, बेटी श्रद्धा और बेटा राजन 20 वर्ष की कार का नेशनल हाईवे 47 पर अचानक टायर फट गया, जिससे अनियंत्रित हुई कार सामने जा रहे डंपर से तेज गति के साथ जा टकरा गई। इस हादसे में कार चालक परिवार को चोटें आई, वही कार चकनाचूर हो गई। सभी घायलों को NHAI की एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे में जहां थॉमस को कमर में तो पत्नी जूली को हाथों में, वही अन्य सदस्यों को शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें लगी है। घटना के बाद सिवनी के पास नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई थी। रविवार की सुबह ग्राम मोही में मोटरसाइकिल के फिसलने से पति पत्नी और 3 साल का बेटा घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दूसरे शहर जाने निकले सोनीराम परतेती, उनकी पत्नी किरण और बेटा गांव के बाहर निकलने के दौरान वाहन फिसलने से सड़क पर गिर गए। पत्नी को चेहरे और बेटे को चोटें लगी है, उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागीचों में संतरा फल कैरेट के स्थान पर टन से या फिर ठेका पद्धति से खरीदे जाने को लेकर किसानों के बीच राय बनाई जा रही है। किसान दिवस के अवसर पर तिगांव में किसानों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें यह बात पुरजोर तरीके से उठाई गई। किसानों ने बताया कि कैरेट से बेचे जाने पर कोई कैरेट 27 किलो का तो कोई 30 किलोग्राम का होता है। इस हिसाब से 1 किलो संतरे का भाव 18 से 20 रुपये पड़ता है। कैरेट के छोटा बड़ा होने से किसानों को नुकसान का मुंह देखना पड़ रहा है। किसानों ने इस समस्या को लेकर अन्य किसानों के बीच जाकर जागरूकता लाने की बात कही। वही रहना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, काश्तकार को भी कमाई होना चाहिए। इस सभी विषय को लेकर आज यहाँ मीटिंग रखी गई है और जो जैसे बताते हैं कि संतरे का चूरा कम भाव में जाता है, तो इस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भविष्य में इस संतरे। किसानों ने सुझाव दिया गया कि इसे लेकर किसानों का संगठन बनाया जाएगा। किसानों के सुझाव लेकर समस्याओं के निराकरण को लेकर प्रयास किए जाएंगे। सम्मेलन में संतरा प्रोसेसिंग यूनिट खोलने, संतरा कोल्ड स्टोरेज खोलने, संतरा पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की मांग की जाएगी। बता दूं आपको, दिन भी किसान के ही आएंगे। किसी देश के किसी मंत्री में, किसी प्रधानमंत्री में, किसी सरकार में इतना दम नहीं कि हर व्यक्ति को कलेक्टर बनाए, हर व्यक्ति को टीचर बनाए, हर व्यक्ति को कोई अच्छा पद दे। सब लोगों को अगर नौकरियां ही मिलेगी तो खेती कौन करेगा? सब लोग अगर किराने का दुकान ही डालेगा, सब हर व्यक्ति अगर हार्डवेयर की दुकान ही डालेगा तो किसानी कौन करेगा? एक ना एक दिन आपको किसानी पे आना पड़ेगा। किसानी पे आएंगे तो ही खाना खाएंगे, नहीं तो क्या खाएंगे? लोहे सीमेंट की रोटी? कुछ नहीं कर सकते आप लोग। इस सम्मेलन में तिगांव के साथ ही मारूड, देवखापा, बंदारगोंदी, आजनगांव, खेड़ीकला, कलमगांव, चिचखेड़ा, पीपलपानी, मोही, मांडवी के किसान सम्मिलित हुए। अयोध्या से पांडुरना पहुंची अक्षत को अब गांव-गांव भेजा जाने लगा है। गांव में इस अक्षत कलश की यात्रा निकाली जा रही है। रविवार को ग्राम पारडी में अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। गांव की बेटियों ने अक्षत कलश को सर पर रखकर ग्राम भ्रमण कराया। इस अक्षत का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा का समापन दुर्गा माता मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा के चरणों में अक्षत कलश को रखकर किया गया। मंदिर में भजन पूजन भी संपन्न हुए।